हमारा जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा कि इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री कैसे है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर प्रावधान किए जाते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं एक सफलता के लिए फेडरलिज्म की, पर वो उतने काफ़ी नहीं है। अगर फेडरल एक्सपेरिमेंट इंडिया में सक्सेसफुल हुआ है, सफल हुआ है, तो वो इसलिए नहीं हुआ है कि उसमें जो है एक तरह से संविधान में प्रावधान बना दिए, इस वजह से सफल हो गया। जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म की इंडिया के अंदर, वो हम बता सकते हैं कि हमारी जो कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसके कारण जो है ये प्रावधान सफल हुए। इससे ये पता चलता है कि जो स्पिरिट है फेडरलिज्म की, जो रेस्पेक्ट है हमारी डाइवर्सिटी और को लेकर, या जो एक साथ में रहने की इच्छा है, ये जो है एक तरह से ऐसे शेयर्ड आइडियल्स हैं हमारी कंट्री के अंदर जिसके कारण फेडरलिज्म है। अब देखते हैं कि क्या होता है या कौन से ऐसे मेजर तरीके हैं जिसके कारण ये हो पाया। सबसे पहले है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जो क्रिएशन हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, यानी भाषा के आधार पर, वो सबसे पहला और मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर हमारी कंट्री के। अगर आप पॉलिटिकल मैप देखो इंडिया का, जब उसकी शुरुआत हुई थी, मतलब जर्नी की एज अ डेमोक्रेसी 1947 में, और अब देखो 2019 में, आपको समझ में आएगा या आप चौंक जाओगे इतने हद तक उसमें बदलाव हुए। बहुत सारे पुराने स्टेट्स खत्म हो गए और नए स्टेट्स जो हैं वो बन गए। एरियाज, बाउंड्रीज, नेम जो स्टेट्स के हैं वो तक बदल गए। 1947 में जो बाउंड्रीज थी बहुत सारे पुराने स्टेट्स जो इंडिया के हैं, वो उनको बदला गया ताकि नए स्टेट्स बनाए जा सके। ये इसलिए किया गया ताकि जो लोग हैं जो सेम भाषा बोलते हैं वो एक ही स्टेट में रहे। कुछ स्टेट्स जो हैं उनको क्रिएट किया गया भाषा के आधार पर नहीं, बट ये दिखाने के लिए या ये पहचान करवाने के लिए कि उनकी जो कल्चर, उनकी जो एथनिसिटी है या उनकी जो ज्योग्राफी है, वो सब जो है कितनी अलग है। इसमें जो स्टेट्स आते हैं वो नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। जब डिमांड जो है स्टेट्स के फॉर्मेशन के लिए वो लैंग्वेज के आधार पर उठाई गई, तो कुछ नेशनल लीडर्स थे, उनको ये डर था कि इससे क्या है, कंट्री जो है उसका विभाजन हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो काफ़ी हद तक जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स थे एक तरह से उनको रोक रही थी कि नई लिंग्विस्टिक के आधार पर स्टेट्स ना बनाए। लेकिन एक्सपीरियंस ने ये दिखाया कि जो फॉर्मेशन हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, वो उसके कारण कंट्री जो है वो और ज़्यादा एक हो गई। इसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान हो गया। फिर आई हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। एक सेकेंड टेस्ट जो इंडियन फेडरेशन का था, अब वो था भाषा को लेकर नीति। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किसी को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। हिंदी जो है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज का तौर पर पहचान मिली, पर हिंदी मदर टंग है खाली 40% इंडियंस। इसलिए बहुत सारे सेफगार्ड्स जो हैं और लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए थे। हिंदी के अलावा 21 और ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि शेड्यूल लैंग्वेजेस जो हैं के तौर पर रिकॉग्नाइज की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। एक कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन में बैठता है सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजिशन के लिए, वो चुन सकता है या एग्जामिनेशन उनमें से किसी भी भाषा में दे सकता है। स्टेट्स की भी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट के जो वर्क प्लेसेस हैं, खास तौर से उनके यहाँ जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी में ही जो है, जिस भी स्टेट की बात करें उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट का काम है उसी भाषा में होता है। अगर हम देखें तो जो जैसा श्रीलंका में नहीं हुआ, हमारी जो कंट्री के लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही कॉशियस एटीट्यूड अपनाया हिंदी भाषा के स्प्रेड करने में और अपनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो यूज़ है इंग्लिश लैंग्वेज का वो खाली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए था और उसको भी रोक दिया गया 1965 में। बहुत सारे जो ना हिंदी बोलने वाले स्टेट्स थे उन्होंने ये डिमांड किया कि जो यूज़ है इंग्लिश का उसको जारी रखें। तमिलनाडु में इस मूवमेंट ने जो है काफ़ी ज़्यादा एक वायलेंट यानी हिंसक रूप ले लिया था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड कैसे किया, उसने कहा ठीक है वो जो है इंग्लिश को जो है हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कंटिन्यू करेगी। बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसा सोचते हैं कि ये सॉल्यूशन था, इसमें जो इंग्लिश स्पीकिंग एलीट है यानी जो इंग्लिश बोलने वाला तबका है उसका फेवर किया गया। जो हिंदी का प्रमोशन था वो लगातार जारी रहा कि वो ऑफिशियल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो उसमें लगातार जारी रहा। प्रमोशन का मतलब ये नहीं था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिंदी जो है स्टेट्स पर लाद सकती है, जहाँ उन स्टेट्स पर जहाँ लोग अलग भाषा बोलते हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा दिखाई गई उससे काफ़ी मदद मिली हमारी कंट्री में कि इस तरह की सिचुएशन खड़ी नहीं हुई और जैसे श्रीलंका में हो रही। अब है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। रीस्ट्रक्चरिंग जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की थी वो एक तरह से एक नया तरीका था, एक और तरीका था जिससे फेडरलिज्म को मजबूती मिली प्रैक्टिस में। अब कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो हैं पावर शेयरिंग के वो रियलिटी में वर्क करते हैं ये निर्भर करता था कि कैसे बहुत हद तक जो रूलिंग पार्टीज हैं या जो लीडर्स हैं वो उन अरेंजमेंट्स को फॉलो करते हैं। लंबे समय तक एक ही पार्टी जो है रूल कर रही थी सेंट्रल और स्टेट में काफ़ी, मतलब लंबे समय तक ऐसा हुआ कि दोनों जगह चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो दोनों जगह एक ही पार्टी रूल कर रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट जो हैं अपनी जो राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स के तौर पर। जब भी रूलिंग पार्टी जो स्टेट लेवल पे है वो डिफरेंट होती थी तो पार्टीज जो रूल कर रही होती थी सेंटर में वो जो है स्टेट की पावर को कम करने की कोशिश करती थी, दबाने की कोशिश करती थी। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर मिसयूज करती थी कॉन्स्टिट्यूशन का ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर दिया जाए जो कि राइवल पार्टीज के द्वारा चलाई जा रही है। इससे क्या हुआ फेडरलिज्म की स्पिरिट को एक तरह से आप कम कर रहे थे। सारे चेंज जो हैं ये फिर जो है 1990 के बाद सब बदल गया। इस पीरियड के दौरान रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का जो है एक तरह से राइज हुआ बहुत सारे जो स्टेट्स हैं कंट्री के अंदर उसमें। साथ ही साथ एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसे हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट सेंटर के अंदर। अब कोई भी जो सिंगल पार्टी थी उसको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही थी लोकसभा में। जो बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज थी उनको अलायंस करना पड़ रहा था और पार्टीज के साथ जिसमें बहुत सारी जो है रीजनल पार्टीज भी शामिल थी ताकि जो है वो सेंटर में गवर्नमेंट बना सके। इससे क्या हुआ एक नए कल्चर की जो है शुरुआत हुई पावर शेयरिंग के और साथ ही साथ जो और ऑटोनॉमी है स्टेट गवर्नमेंट्स की उसके प्रति रिस्पेक्ट की। ये ट्रेंड को सपोर्ट किया गया बहुत मेजर जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का कि उसने जो है मुश्किल कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से डिसमिस नहीं कर रहे। तो फेडरल पावर शेयरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है आज भी जैसा कि पहले सालों में रही थी उसके मुकाबले जब से कि कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। अब है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हमने ये देखा कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें दो या दो से ज़्यादा टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि ये जो दो टीयर्स हैं गवर्नमेंट के कंट्री के अंदर, लेकिन जो हमारी इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया की वो खाली इन दोनों टीयर्स पर ही नहीं चल सकती। जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर वो इतने बड़े बड़े हैं कि जैसे मानो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हों यूरोप की। अगर पॉपुलेशन की बात उसमें कहें तो उत्तर प्रदेश रशिया से बड़ा है, महाराष्ट्र जो है उतना ही बड़ा है जितना जर्मनी है। तो बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो इंटरनली तौर पर भी काफ़ी डाइवर्स हैं। इसलिए ज़रूरत है पावर शेयरिंग की इन स्टेट्स के अंदर भी। फेडरल पावर शेयरिंग जो इंडिया में थी उसमें एक और टीयर चाहिए था गवर्नमेंट का जो कि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे हो। ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन पावर का उसके लिए ज़रूरी था। तो नतीजा क्या हुआ एक थर्ड टीयर बनाया गया गवर्नमेंट का जिसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। जब पावर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथों से ले ली गई और फिर जो है उसको लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिक आइडिया इसके पीछे ये था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे जो लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छे से सुलझाए जा सकते हैं। लोगों को ज़्यादा बेटर नॉलेज होती है प्रॉब्लम्स की उनके लोकेलिटीज में, उनको ज़्यादा बेटर आइडिया होता है कहाँ पे पैसा स्पेंड करना है, कहाँ चीज़ों को मैनेज करना है ज़्यादा अच्छे तरीके से। साथ ही साथ लोकल लेवल पर ये भी पॉसिबल है लोगों के लिए कि वो डायरेक्टली हिस्सा ले सकते हैं डिसीशन मेकिंग में। इससे क्या हुआ एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की जो हैबिट है उसको बढ़ाया जा सका। लोकल गवर्नमेंट इसलिए बेस्ट तरीका है कि एक जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का उसको जो है एहसास हो कि हाँ ये भी जो है एक तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी जो है बहुत ही अहम हिस्सा है डेमोक्रेसी का। अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की नीड थी इसको भी हमारे संविधान में जो है एक तरह से पहचाना गया। उसके बाद से बहुत सारी कोशिशें करी गई कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए विलेज और टाउन्स के लेवल पे, पंचायत गाँव में और म्यूनिसपैलिटीज शहरों के इलाकों में सब स्टेट्स में सेटअप कर दी गई। पर ये जो है डायरेक्टली अंडर कंट्रोल थी स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्शन जो इन लोकल गवर्नमेंट्स के थे वो रेगुलर नहीं होते, लोकल गवर्नमेंट्स के पास कोई पावर या रिसोर्सेज अपने खुद के नहीं थे, इसलिए बहुत ही कुछ कहना चाहिए मात्रा में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ अगर सही तौर पे कहें। एक मेजर स्टेप जो है डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ तब लिया गया जब 1992 था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बदलाव किए गए
कि जो थर्ड टीयर है डेमोक्रेसी का उसको भी ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर यह मैंडेटरी हो गया कि रेगुलर इलेक्शन होंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के, जो सीट्स जो है रिजर्व है इलेक्टेड बॉडीज के लिए, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव हेड जो थे इंस्टीट्यूशंस के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनको यहाँ भी जो है सीट्स को रिजर्व किया गया। एटलीस्ट 1/3 जो पोजिशंस थी सारी, उसमें से 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व करी गई, यानी टोटल जितनी भी पोजिशन थी उसमें से 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व करी गई। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसको क्रिएट किया गया हर स्टेट में ताकि पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन हो सके। स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत था कि वो अपनी कुछ पावर्स को और जो रेवेन्यू है उसको शेयर करें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। जो नेचर है ये शेयरिंग का, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। हर गांव या जो गांव का समूह है कुछ स्टेट्स में, उसकी एक ग्राम पंचायत है। ये वो काउंसिल है जिसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको कहा जाता है पंच, और एक प्रेसिडेंट या सरपंच। ये डायरेक्टली चुने जाते हैं जो एडल्ट पॉपुलेशन होती है उस वार्ड की या गांव की, उनके द्वारा। अब जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये होती है पंचायत, जो कि पूरे गांव के लिए होती है। पंचायत जो है काम करती है ग्राम सभा के सुपरविजन में। जितने भी वोटर्स हैं गांव के अंदर वो उसके मेंबर्स हैं। साल में 2 या 3 बार ये लोग मिलते हैं ताकि एक एनुअल बजट को अप्रूव किया जा सके ग्राम पंचायत के, और साथ ही साथ ग्राम पंचायत का क्या परफॉर्मेंस रहा उसका भी रिव्यू किया जा सके। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है ये जाता है सीधे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। कुछ ग्राम पंचायत जो है उनको ग्रुप किया जाता है ताकि जिसको भी हम बनाते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल। जो मेंबर्स होते हैं इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के, उनको भी चुना जाता है सारे पंचायत मेंबर्स के द्वारा, दो एरिया के होते हैं। सारी पंचायत समिति या मंडल जो है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो बनाते हैं जिला परिषद। ज्यादातर जो मेंबर्स हैं जिला परिषद के वो चुने हुए होते हैं। जो मेंबर्स हैं लोकसभा के या जो MLAs हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, या कुछ ऑफिशियल्स जो हैं और हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज के, वो भी जो है इसके मेंबर होते हैं। जिला परिषद का चेयरपर्सन जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं वो अर्बन एरियाज के लिए भी होती हैं। म्यूनिसिपैलिटीज जो है उनको सेटअप किया जाता है टाउन्स में। बड़े बड़े शहरों में ये जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। दोनों ही म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है कंट्रोल करी जाती हैं इलेक्टेड बॉडीज जो हैं, जिसमें जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा। म्यूनिसिपल का जो चेयरमैन है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का, और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो ऑफिसर है वो कहलाते हैं मेयर। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो ब्राजील के अंदर हुआ। एक सिटी थी जिसका नाम था पोर्टो एलेग्रे ब्राजील में, उसने एक अलग ही एक्सपेरिमेंट किया। उसने जो है डिसेंट्रलाइजेशन को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के साथ कंबाइन, सिटी को जो है सेटअप किया गया पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, जिसमें ऑपरेट कर रहे थे म्यूनिसिपल साथ साथ म्यूनिसिपल काउंसिल और लोकल इनहेबिटेंट्स जो थे, ताकि वो जो है सही में डिसीजंस ले सके अपने शहर के। लगभग 13 लाख लोग थे शहर के अंदर जो हिस्सा ले रहे थे बजट बनाने में अपने खुद के शहर के लिए। ये जो शहर है ये डिवाइडेड था कई सारे सेक्टर्स में, जिसको हम कहते हैं वार्ड्स। हर सेक्टर की एक मीटिंग होती थी, जैसे कि ग्राम सभा की है, जिसमें कोई भी जो उस एरिया में रहता था वो हिस्सा ले सकता। कुछ मीटिंग थी जो डिस्कस कर रही थी उन मुद्दों को जो पूरी शहर पे असर डालते। कोई भी सिटीजन उस सिटी का जो है हिस्सा ले सकता था उस मीटिंग में। जो बजट था सिटी का वो डिस्कस किया जाता था इन मीटिंग्स के अंदर। प्रपोजल्स जो है वो म्यूनिसिपैलिटी के सामने रखे जाते थे और फिर वो जो है फाइनल डिसीजन लेते थे उसके अलावा। लगभग 20,000 लोग जो है हिस्सा लेते थे डिसीजन मेकिंग में, ये जो हर साल एक्सरसाइज होती थी उसके अंदर। इस मेथड से क्या इंश्योर हुआ कि मनी जो है वो खाली स्पेंड नहीं करा जा सकता बेनिफिट से कॉलोनीज के लिए जहाँ पर रईस लोग रहते हैं। बसेस जो हैं वो पुअर कॉलोनीज के लिए और बिल्डर्स के लिए जो है मतलब वहाँ पे भी रन करती हैं, और जो बिल्डर्स हैं वो स्लम ड्वेलर्स को बिना उनको दोबारा बसाए हुए नहीं निकाल सकते। हमारी खुद की कंट्री में इसी तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ कुछ इलाकों में केरला के। ऑर्डिनरी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया ताकि वो प्लान जो है डेवलपमेंट जो उनकी लोकेलिटी का है उसके लिए क्या होना चाहिए वो बना सके। ये जो नया सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी के अंदर जो कि कहीं भी कराया गया होगा पूरी दुनिया के अंदर। आज की डेट में 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में पूरी कंट्री के अंदर।
ये नंबर इससे भी ज़्यादा हो सकता है जो पॉपुलेशन है बहुत सारी कंट्रीज की दुनिया के अंदर उससे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो लोकल गवर्नमेंट का है उसने काफ़ी मदद करी कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी और अच्छे से और गहराई से जो है वो एक्सेप्ट करी जाए। साथ ही साथ उसने इंक्रीज किया वुमेन का रिप्रेजेंटेशन और जो उनकी वॉइस है डेमोक्रेसी में। साथ ही साथ बहुत सारी डिफिकल्टीज भी देखने को मिली। जहाँ इलेक्शंस जो है रेगुलरली होते थे और बहुत ही उत्साह के साथ होते थे, ग्राम सभा के वैसे रेगुलर नहीं होते थे। ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ट्रांसफ़र नहीं करी जो सही पावर्स हैं लोकल गवर्नमेंट को, ना ही उन्होंने जो है उनको पर्याप्त रिसोर्सेज दिए। तो अभी बहुत लंबा सफ़र है एक जो हमें कवर करना है कि एक्चुअल में जो सेल्फ गवर्नमेंट का आइडियल है वो कैसा हो। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असम एजुकेशन। बाय।